बच्चों आज हम हिंदी में पाठ एक भाषा लिपि एवं व्याकरण के बारे में बताएंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों या बातों को बोलकर लिखकर या संकेतों द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो बच्चों भाषा किसे कहते हैं? जो हमारे मन के भाव या विचार होते हैं उसको लिख करके बोल करके या संकेतों के माध्यम से जो है दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब बच्चों भाषा के तीन रूप होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक है मौखिक भाषा, नंबर दो लिखित भाषा, नंबर तीन सांकेतिक भाषा। अब बच्चों हम जानेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा वह होती है जो अपने मन के भाव या विचार को बोल करके जो है हम दूसरों तक प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण है रेडियो से समाचार व गाने सुनना, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। अब दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसको लिख करके जो है हम अपने मन के हाव भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब इसका उदाहरण है छात्रों का परीक्षा देना, ये लिखित भाषा का उदाहरण है। या अपने मित्र को पत्र लिखना। अब तीसरा है सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है इसमें ना लिख करके ना बोल करके बल्कि अपने शरीर के हाव भाव व हाथों के इशारों द्वारा अपनी बात को जो है समझाना सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। इसमें है मूक बधिरों द्वारा इशारों में की जाने वाली बातचीत। मूक बधिर यानी जो गूंगे और बहरे होते हैं, जो गूंगे बहरे होते हैं वो जब आपस में बातचीत करते हैं तो इशारों द्वारा ही या संकेतों द्वारा ही वो अपनी बातचीत करते हैं। अब बच्चों हम जानेंगे लिपि के बारे में। तो लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा के लिखित चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिखित भाषा कहलाता है। अब बच्चों यहाँ लिपि है, यहाँ अपनी हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी हो गई, अंग्रेजी की लिपि रोमन हो गई, उर्दू की लिपि फारसी हो गई और पंजाबी की लिपि गुरमुखी हो गई। तो यहाँ हर भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। अब हम जानेंगे, अब भाषा और लिपि के बारे में हम जान चुके हैं, अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। तो बच्चों व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके माध्यम से हमें जो है शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा जो है हमें शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना व बोलना सीखते हैं। जैसे अभी यहाँ हुआ लिखना है हमें विचार, तो अगर ऐसे हम विचार लिखेंगे तो ये विचार हमारा गलत है। विचार कैसे होता है? ऐसे भी चार, ये विचार तो ये हमारा ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है, तो ये अशुद्ध हो गया और ये शुद्ध हो गया। तो ये जो शुद्ध रूप से जो लिखना सिखा रहा है वो कौन सिखा रहा है? व्याकरण सिखा रहा है। जैसे जैसे लिखा हो हमारा वाक्य मोहन जाता है बाजार, तो ये हमारा वाक्य जो है ये हमारा वाक्य अशुद्ध है। तो ये शुद्ध रूप से क्या होगा? मोहन
बाजार जाता है। तो ये मोहन बाजार जाता है, तो ये ऊपर वाला मोहन जाता है बाजार, तो ये हमारा जो वाक्य है वो वाक्य अशुद्ध लिखा हुआ है। और दूसरा वाक्य है मोहन बाजार जाता है, तो ये हमारा वाक्य जो है शुद्ध हो गया। तो इस शुद्ध रूप, यह जो शुद्ध रूप है, लिखने का जो शुद्ध रूप है वो हमें कौन सिखा रहा है? व्याकरण सिखा रहा है। तो व्याकरण के माध्यम से हम जो है शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। थैंक यू बच्चों।